नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस उत्तम स्टडी में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड से 2022 का ट्वेल्थ का सेंटअप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अभी ट्वेल्थ क्लास में है और सेंटअप एग्जाम दे रहे हैं, 2022 में एग्जाम देंगे, ठीक है, और अभी सेंटअप एग्जाम दे रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में बिहार बोर्ड ट्वेल्थ सेंटअप एग्जाम 2022 का केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव को समाप्त करेंगे, जो कि आपका एग्जाम में यही आएगा, ठीक है। कई सारे स्कूल कॉलेज में एग्जाम ले लिया गया है, ठीक है, वे स्टूडेंट्स चाहे तो आंसर मिला सकते हैं, लेकिन जिनका भी अभी केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका भी एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका फायदा उठाइए, और फायदा उठाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप लोग केवल यहाँ पे आंसर छाप लिए और वहां पे जाकर चोरी कर लेना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीका से पढ़ लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव मिला है, उसके बाद एग्जाम दीजिए, ओके, और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है, एग्जाम देकर के आइए। तो ठीक है, इसमें 70 ऑब्जेक्टिव को समाप्त करेंगे, जो भी सेंटअप एग्जाम अभी तक नहीं दिए हैं केमिस्ट्री का, उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12 सेंटअप एग्जाम 2022 का केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव को समाप्त करने जा रहे हैं। इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट bscstudy.com पर जाकर के ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो भी चैनल पे नए हैं, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, तो उसे दबाकर बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पूरा क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िएगा, ओके, यही क्वेश्चन आएगा, मेरा गारंटी है यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कई सारे स्कूल कॉलेज पहले ही एग्जाम ले चुका है तो क्वेश्चन लीक हो गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में किसी परमाणु की उपसह संयोजन संख्या क्या होती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एन एटोम इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए पूछा गया है, हेक्सागोनल क्लोज पैक में किसी परमाणु की उपसह संयोजक, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैक में जो कि 12 हो जाएंगे, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, याद रखिएगा। और हो सकता है एक से दो ऑब्जेक्टिव गलती हो, ठीक है, तो उसे आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर दो में है, जो कि कैप्रोलैक्टम निम्न में किसका जो कि मोनोमर है। दो का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नायलॉन 6 हो जाएंगे, कई सारे स्टूडेंट्स नायलॉन 6 मारेंगे, लेकिन यहाँ पे सही जो कि ऑप्शन ए हो जाएंगे, ओके, समझ गए ना आप लोग, जो कि यहाँ पे कैप्रोलैक्टम इज जो कि मोनोमर ऑफ जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे देखिए जो कि मोनोमर पूछा गया है, ओके, तो यहाँ पे नायलॉन 6 हो जाएंगे, तो फर्स्ट का सही यहाँ पे, दो का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीन में, ऑर्थो जो कि फॉस्फोरिक एसिड की भास्मिकता होती है, यहाँ पे एसिड हमने पूछा गया है, तो तीन का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, ओके, याद रखिएगा, कई सारे स्टूडेंट्स तीन मारे लेकिन सही जवाब इसका दो हो जाएंगे, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर चार में है, निम्नलिखित में सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन है, बताइए आप लोग। चार का सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे, 1M पोटेशियम सल्फेट हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर पांच में निम्नलिखित याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पांच में है, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, और विच वन ऑफ द फ्लोविंग इज ए बायोडिग्रेडेबल प्लोमियर पूछा गया है, बहुलक पूछा गया है, तो पांच का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि सेल्यूलोज हो जाएंगे, ओके, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर छः में है, जो कि डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, छः का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मैग्नीशियम हो जाएंगे, Mg हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सात में है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग जो कि नियतांक का मात्रक है, सात का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ओके, मोल लीटर पर सेकेंड हो जाएंगे।
चलिए सात का आप लोग कंफर्म हो जाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है। यहाँ पे द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो यहाँ पे मोल लीटर पर सेकेंड यहाँ पे इन्वर्स हो जाएंगे, ठीक है, पर सेकेंड हो जाएंगे, मोल लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो सात का यहाँ पे सी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ, एथिल एसीटेट का आयपक नाम पूछा गया है। द आयपक नेम ऑफ एथिल एसीटेट इज, तो यहाँ पे आठ का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओके, जो कि यहाँ पे इथाइल एथेनोइट हो जाएंगे, ओके, सही ऑप्शन नंबर बी आठ का। चलिए क्वेश्चन नंबर नौ में है, सेल स्थिरांक की इकाई है। द यूनिट ऑफ सेल कॉन्स्टेंट इज, तो यहाँ पे नौ का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, नौ का सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे, ओके, ओम्स सेंटीमीटर पर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, एनिलीन, यहां पे देखिए 10 में है, एनिलीन एवं एसिटाइल क्लोराइड अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो एनिलीन, देखिए यहां पे एनिलीन एवं एसिटाइल क्लोराइड अभिक्रिया कर क्या बनाती है, तो यहां पे 10 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि एसीटी, जो कि निलाइड हो जाएंगे, सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिमिस एसिड पूछा गया है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल जो कि लिमिस एसिड पूछा गया है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि लिमिस एसिड पूछा गया है, लिमिस एसिड पूछा गया है, अम्ल पूछा गया है, तो 11 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, Bi3 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कोलाइड कणों का आकार होता है। यहाँ पे देखिए द साइज ऑफ, जो कि यहाँ पे कोलाइडी जो कि पार्टिकल इज, तो यहाँ पे यहाँ पे 12 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, 1 से 1000 nm हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 13 का याद रखिएगा, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, ये ज्यादा है तो कम्बा टूटेगा, यहाँ पे उच्चतम पूछा गया है, ठीक है, तो सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, सही जवाब बी हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाइएस्ट, जो कि क्या पूछा गया है, जो कि बायोलिन पॉइंट पूछा गया, तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है, जो कि टाइटेनियम H2O6+ अनुचुंबकीय प्रकृति का है, तो यहाँ पे 14 का सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पे ए हो जाएंगे, ओके, ए हो जाएंगे, एक अयुग्मत इलेक्ट्रॉन के कारण, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 15 में है, निम्नलिखित में 8:8 उपसंयोजक का उदाहरण है, तो 15 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, KCl हो जाएंगे, ठीक है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ 8:8, जो कि कोऑर्डिनेशन इज द फॉलोइंग, तो सही ऑप्शन नंबर 15 का ए हो जाएंगे। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 में है, HCHO की अभिक्रिया RMgX से होने पर बनता है। 16 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे द रिएक्शन HCHO पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो ए हो जाएंगे, याद रखिएगा, दोनों स्टूडेंट्स, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों स्टूडेंट्स याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है, जल में कौन रंगहीन है, ठीक है, तो विच इज कलरलेस इन वाटर, तो 17 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, HC3+ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में है, आर्हेनियस समीकरण में किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का संबंध होता है। 18 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तापक्रम से हो जाएंगे, टेम्परेचर से हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में है, जब एथेनल को, जो कि फेलिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो अवक्षेप होता है। 19 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि कॉपर ऑक्साइड हो जाएंगे, ठीक है, CU2O हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में, एक सी अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? यहाँ पे विच टाइप ऑफ बॉन्ड पूछा गया है, तो 20 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 20 का सही, देखिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, 20 का एक सी को आप लोग जेनॉन पढ़ सकते हैं, ठीक है। जेनॉन अणु में किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है, तो इससे साफ पता चल जाता है आपका आंसर। तो 20 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि वान डर वाल्स हो जाएंगे, याद रखिएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 20 का। चलिए 21 में है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसको 0.1 मिलियन का संभावित उच्चतम जो कि प्रसरण दाब होता है, तो हाईएस्ट यहाँ पे एटॉमिक प्रेशर पूछा गया है, तो एम सॉल्यूशन 0.1 मिलियन सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 21 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, CaCl2 हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्न अभिक्रिया में एक क्या है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, निम्न अभिक्रिया में एक क्या है, तो यहाँ पे देखिए अमीनो अमीनो अम्ल HNO2 और यहाँ पे एरो लगा हुआ है और ए है इस तरह से, तो 22 का सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो डी हो जाएंगे, एथिल अल्कोहल हो जाएंगे, ओके। चलिए 23 में है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, यहाँ पे देखिए जो कि अदर देन ऑक्सीजन पूछा गया है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पूछा गया, इन ग्रुप 16 में पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रेडिक टेबल में पूछा गया है द एलिमेंट फाउंड इज, तो यहाँ पे देखिए 23 का सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो ए हो जाएंगे, सल्फर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, स्टार्च का पूर्ण जल अपघटन करने पर प्राप्त होता है, 24 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ग्लूकोज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, तो यहाँ पे देखिए द मोस्ट पूछा गया एलिमेंट अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे 25 का सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो ए हो जाएंगे, सिलिकॉन हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। इस तरह से 26 में सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, सब क्या हो जाएंगे, 26 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 26 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, छोटा यहाँ पे जी ऋणात्मक हो जाएंगे, और ये आपका सेंटअप एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इसका PDF चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाकर के ले सकते हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप लोग ले सकते हैं, ओके। यही क्वेश्चन आएगा और आपको एग्जाम में पढ़ करके जाना है, ऐसा नहीं कि आंसर लिख करके जाना है, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए पढ़ करके जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, 35 ऑब्जेक्टिव तो ही बनाना है, 50% तो ही बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख कार्बनिक उत्पाद है, तो 27 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, CH3I + CH3 2 CHOH हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, याद रखिएगा, निकेल कार्बोनेट, ठीक है, निकेल कार्बोनेट में जो कि निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पे देखिए 28 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यहाँ पे निकेल पूछा गया, ठीक है, निकिल पूछा गया, सॉरी यहाँ पे निकिल हो जाएंगे ना, निकिल, तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो ए हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है, भौतिक अधिशोषण में गैस के कारण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 29 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि वान डर वाल्स वल हो जाएंगे, यानी वान डर वाल्स फोर्स हो जाएंगे, यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है, नायलॉन 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको दो तरह से क्वेश्चन यही में पूछा गया, ठीक है, इसी क्वेश्चन में आपको दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, नायलॉन 6 है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, पॉलीएमाइड हो जाएंगे, ठीक है, यही नायलॉन 6, तो सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 में है फेरस कार्बोनेट, ठीक है, फेरस कार्बोनेट है,
तो 31 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जटिल यौगिक हो जाएंगे, ठीक है, जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ पे 32 में पूछा गया, ए प्लस बी उत्पाद के लिए अभिक्रिया आर इक्वल टू के ए बी द्वारा व्यक्त किया जाता है, यदि यदि बी का अधिक मात्रा ली जाए तो अभिक्रिया की कोटि होगी। तो यहाँ पे देखिए 32 का सही ऑप्शन की बात किया जाए तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, वन हो जाएंगे। चलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में फिनॉल का OH समूह है, देखिए ज़्यादा आपको पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, 33 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, ओपी निर्देशी हो जाएंगे, ये आंसर को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, एथिलीन डाई एमिन उदाहरण है, तो किस चीज का उदाहरण है, सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, दी दंतूर लिगेंड का, सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, याद रखिएगा ए डिग्री सेल इक्वल टू प्लस यहाँ पे भी हो जाएंगे अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए कॉपर पूछा गया है, कॉपर एस प्लस टू ए जी प्लस ए क्यू और यहाँ पे एरो कॉपर सी यू टू प्लस ए क्यू इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ज़्यादा पढ़ने से फायदा है नहीं, तो सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो 35 का ए हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे द रिएक्शन पूछा गया है इसका, ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन जो कि टर्शियरी एमीन का उदाहरण है, बताइए आप लोग, एग्जाम्पल पूछा गया है जो कि टर्शियरी एमीन, यहाँ पे देखिए टर्शियरी एमीन पूछा गया है, तो 36 का सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पे बी हो जाएंगे, ठीक है, CH3CH2 और 2NCH3 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए, यदि उसका परमाणु क्रमांक 25 है तो गणना करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, 37 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 5.92 यहाँ पे बीएम हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में है, बादल निम्न में से किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे 38 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, द्रव का गैस में जो कि परिक्षेपण हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा प्रकाश सक्रिय है, 39 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, CH2Cl2 हो जाएंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में है, देखिए XeF4 यानी जेनॉन फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन की युग्मत जोड़ी है, तो 40 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहां पे 40, जीई जर्मेनियम धातु को थोड़े से इन जो कि यहां पे क्या कहा जा रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों यहां पे लिखा हुआ है, इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो 41 का क्या हो जाएंगे, पी प्रकार का चालक प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे जी पूछा गया जर्मेनियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखिएगा आप लोग, सैक्रीन का सही संरचना है, सही संरचना क्या है, तो 42 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, सरल घनीय जालक की संकुलन क्षमता होती है, सरल घनीय जालक पूछा गया है, पैकिंग यहाँ पे देखिए सिंपल पूछा गया है, तो सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 43 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 52% हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में है, जो कि सम परासरी विलयन में समान होती है, तो यहाँ पे 44 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मोलर सांद्रता हो जाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, जो कि पेल्टिनियम इलेक्ट्रोड को प्रयुक्त करते हुए तनु सल्फ्यूरिक एसिड का यानी अम्ल का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा, 45 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे। चलिए 46, इतना रिएक्शन पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, 46 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, याद रखिएगा ये यहाँ पे है और अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया की कोटि होगी, 46 का सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसका हाफ करना है तो 3.2 का हाफ हो जाएगा ना, ठीक है, हाफ होगा ना 3.2 का, इसका हाफ नहीं होगा, इसका भी हाफ नहीं होगा, ठीक है, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, याद रखिएगा।
चलिए 47 जैव उत्प्रेरक होता है। 47 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एक एंजाइम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में है, याद रखिएगा, NaCN विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है। 48 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो यहां पे आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या पूछा गया है, NaCN यानी सोडियम साइनाइड विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है। तो 48 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, Ag। चलिए 49 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1H2, 2H2 और 2S6, 3X2, 3P4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1H2, 2H2 ये आप लोग पढ़े हैं ना, पता होगा। 49 का सही ऑप्शन नंबर की बात किया है तो सी हो जाएंगे, सल्फर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे विच एलिमेंट पूछा गया है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए अश्रु गैस है, जो कि अश्रु गैस का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है, लेकिन ऐसे इसमें देखा जाए तो सही ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बी इसका फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, अश्रु गैस का फॉर्मूला होता है CCl3, याद रखिएगा CCl3NO2 हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख करके मारिएगा। दोस्तों यदि आप लोग 12 सेंटअप एग्जाम का सभी सब्जेक्ट का आंसर और PDF चाहते हैं तो आप लोग गूगल में इस तरह से सर्च कीजिए BSc स्टडी। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरह से वेबसाइट दिखेगा, आपको ये जो वेबसाइट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, आपको सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे PDF और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये मान लीजिए फिजिक्स का है तो फिजिक्स वाले पे क्लिक किए, अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे स्क्रॉल करके आपको नीचे की ओर आ जाना है। अब जैसे ही आप लोग स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स का सेंटअप एग्जाम का आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से आंसर लीजिए, और यहाँ पे देखिए फिजिक्स का या केमिस्ट्री का कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से आइए और आप लोग डाउनलोड कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में है, जो कि यहाँ पे मौसम जो कि प्रेक्षण के लिए गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग किए जाने वाला गैस यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे 51 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हीलियम गैस, आप सभी को पता होगा, ठीक है, गुब्बारों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे मोर लेवन का सूत्र पूछा गया है, 52 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओके, जो कि द फॉर्मूला मोर यहाँ पे सॉल्ट पूछा गया है मोर लेवन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में, लैथेनाइड का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 53 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा, फटाफट आंसर को कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद है। तो यहाँ पे देखिए 54 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, COCl2 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया है और इसका आईपैक नेम पूछा गया है, ठीक है, आईपैक नाम, सही आईपैक नेम। तो यहाँ पे देखिए 55 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ethane 1,2-diol हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार आपको ये अभी तो आंसर दिया जा रहा है, एक बार आपको डिटेल में इसका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे और पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं, 56 में पूछा गया है, जो कि वेंजलिडहाइड अल्कोहलीय, ठीक है, अल्कोहलीय केसियन से अभिक्रिया करके देता है। 56 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, अभिक्रिया यहाँ पे देखिए वेंजीन दिया गया है और प्लस CH3 और OCCl और यहाँ पे प्लस HCl में प्रमुख उत्पाद है। तो यहाँ पे 57 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, एसीटोफिनोन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, PKB का मान किस में है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 58 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, CH3 3N हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में है, जो कि पेप्टाइड जल अपघटन कर देता है, ठीक है, अपघटन पर देता है। 59 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एमिनो अम्ल हो जाएंगे, ठीक है, एमिनो एसिड हो जाएंगे।
चलिए 60 में है, फिनॉल निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया कर वैकेलाइट बनाता है। 60 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्मलिडहाइड हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में है, क्लोरोमाइसेटिन जो यहाँ पे पूछा गया है, क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग निम्न में निम्न कौन सी बीमारी में किया जाता है। 61 का सही ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, कुलेरा हो जाएंगे। 62 में है, प्रशांतक एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किस रोग का इलाज के लिए किया जाता है। तो 62 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मानसिक बीमारी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में है, निम्नलिखित में कौन पायस का उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए गए, तो ये पायस का उदाहरण पूछा गया है। 63 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, दूध जो कि पायस का उदाहरण है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 64 में अभिक्रिया दिया गया है, ठीक है, 3A और यहाँ पे एरो 2B के लिए अभिक्रिया का वेग प्लस DB बाई यहाँ पे DT बराबर होता है। तो 64 का सही ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो यहाँ पे सी हो जाएंगे, ठीक है, -1/3 DA/DT हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आप लोग देख लीजिएगा, 65 का सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि अर्जेंटम आयन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से 66 में पूछा गया है, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड पूछा गया दिया है, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड CH3COOH में जो कि 75 ग्राम बेंजीन में बिलियन की मोललता पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोललिटी पूछा गया है, तो 66 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 67 निम्न में से कौन लौ चुंबकीय का उदाहरण है। 67 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, CrO2 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में है, कार्बन जो कि टेट्रा क्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम पूछा गया है। तो 68 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पायरिन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं, और 69 में है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को कहा जाता है। देखिए अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग हम लोग कहते हैं, ठीक है, तो इसमें गैंग है ही नहीं, तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं, सही ऑप्शन नंबर इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लेकिन इसका जवाब आप लोग याद रखिएगा, गैंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में है, जो कि निम्न में से किस आयन का रंगीन होने की संभावना है। तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, निकेल आयन हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में बिहार बोर्ड 12 सेंटअप एग्जाम 2022 के लिए केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव को समाप्त किए हैं। आप लोग वेबसाइट पर जाकर कि इसका PDF भी ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं, वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसे दबाकर बगल वाले घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, सभी का आपको वीडियो इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स का भी मिल गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।